अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर की बात करने जा रहे हैं वो है ऑफ़ प्राइस चेन स्टोर्स इस तरह के चेन स्टोर्स नॉर्मली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं बट दे सेल ऑन द चीप प्राइस तो जो कॉम्बिनेशन है हाई प्रोडक्ट क्वालिटी का और चीप प्राइसेस का वो तभी मुमकिन है वो आपको सोचना है सिर्फ एक सेकेंड के लिए एक लम्हे के लिए वो कैसे मुमकिन है तो या तो इस तरह के स्टोर्स सेल कर रहे होते हैं एंड ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स इस तरीके से इन जनरल हम बात कर रहे होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर सारा साल सेल लगी रहती है तो एक्चुअली वो सेल जो लगी रहती है वो ऑफ सीज़न चेन स्टोर्स हैं ये वो स्टोर्स हैं जो कि ऑफ प्राइस सेल कर रहे हैं ऑफ़ सीजन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं या फिर देर कैन बी रीजंस के जहां पर यूज्ड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमें नज़र आता है कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करने की और सस्ती प्राइसेस के ऊपर तो या वो प्रोडक्ट यूज होती हैं या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ सीज़न होती हैं या वो प्रोडक्ट ओवर रन होती है या वो प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से क्वालिफ़ाई कर रही होती हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा डिफेक्ट है जिसको हम बी कैटेगरी प्रोडक्ट की बात भी करते हैं तो इस तरह के स्टोर्स के अंदर हमारे पास नॉर्मली सीजनैलिटी आइटम्स का ज़्यादातर शेयर आपको नज़र आएगा इस तरह के रिटेलर्स नॉर्मली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फॉर दी फॉर दी हो, होल सेलर्स कौन होल सेलर्स जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके सीज़न एंड के ऊपर जा रहा होता है और होल सेलर मैसिवली स्टॉक के साथ बैठा होता है ये वो टाइम होता है व्हेन ही इज़ लुकिंग फॉर कि मुझे किसी ना किसी तरीके से मुझे ऑफ प्राइस चेन स्टोर्स मिल जाएं जो कि मेरे प्रोडक्ट को मेरे स्टॉक्स को मुझसे बाय कर लें और अपने पास एंड कंज्यूमर को सेल कर दें क्योंकि कस्टमर को ये बात पता होती है कि ये वो स्टोर्स हैं जहाँ पर मुझे एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मुझे मिलेगी और सस्ती प्राइसेस के ऊपर मिलेगी तो कस्टमर फ़ौरन रन करता है स्पेसिफिकली इसी तरह के स्टोर्स के ऊपर इसी तरीके से अगर आप इन स्टोर्स की बात करें असॉटमेंट के हवाले से तो यहाँ पर असार्टमेंट आपको इनकन्सटेंट नज़र आएगी ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा आपको एक ही तरह की चीज़ें नजर आएंगी क्योंकि ये स्टोर्स एक डिफरेंट तरह के लोगों से बाय कर रहे होते हैं डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं किस तरह की क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और किस सीज़न के अंदर मौजूद हैं अगर वो लेट्स वो प्रोडक्ट्स सपोर्ट मौजूद है हमारे पास शूज़ के हवाले से तो यस दे विल सेल शूज़ एट डैट पर्टिकुलर टाइम अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात है तो उसके किसी प्रोडक्ट के ऊपर से लगी हुई है तो देन दे विल ऑफर दैट पर्टिकुलर स्टॉक अगर इनको समझ आती है कोई एक पर्टिकुलर लॉट है जो कैरेट से किसी कंपनी की तरफ से रिटर्न आ गई है सो दे हैव द्यूज अपॉर्चुनिटी टू बाय ये बाय कर लेंगे उसको और बाय करने के बाद क्या होगा दे विल सेल टू देयर ओन स्टोर तो इसलिए इस तरह के स्टोर जो हैं वो नॉर्मली जब हम बात करते हैं सेल करने के हवाले से तो लो प्राइस के ऊपर सेल कर रहे होते हैं सो so, मैनुफेक्चरर से नॉर्मली इस तरह का रिटेलर डायरेक्टली बाय कर रहा होता है और वो स्टॉक जिस तरह मैंने बताया कि ये ओल्ड स्टॉक की मद में आता है ओल्ड स्टॉक सेल कर रहा होता है ओल्ड स्टॉक बाय कर रहा होता है जो कि कस्टमर को आगे फिर इसने सेल करना है अब वो ओल्ड स्टॉक क्या है वो वो स्टॉक है जो कि सीजन के अंदर नहीं बिका या वो वो स्टॉक है जो कि ओवरअन है स्टॉक है या ये वो स्टॉक है जिसको हल्का सा उसमें किसी न किसी तरीके से छोटा मोटा टेक्निकल डिफेक्ट है या ये वो लॉट है जो कि फर्स्ट लॉट है प्रोडक्ट को भेजने से पहले क्योंकि देर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसिस जहाँ पे प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें इनिशियल क्वांटिटी जो भी प्रोड्यूस की जाती है वो इज अ काइंड ऑफ टेस्ट क्वांटिटी तो इस तरह के जो क्वांटिटीज हैं वो इस तरह के चेन स्टोर्स के ऊपर सेल करती जाती हैं और नॉर्मली अगर हम बात करें सीजन के क्लोज आउट के हवाले से तो ये तब भी आपको इस तरह के स्टोर जो हैं वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे एग्जाम्पल्स के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो गिल्ट एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है ऑफ प्राइस स्टोर की ऑफ चेन की एक कंप्लीट चेन ऑफ स्टोर्स हैं गिल्ड के हवाले से हमारे पास नॉट स्टॉम की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास डीजे मैक्स की बहुत अच्छी एग्जांपल है जो टी मैक्स की एग्जांपल है ये बहुत तेज़ी से दे आर ग्रोइंग इस तरीके से कि दे हैव द ह्यूज चेन ऑफ स्टोर्स पूरे कंट्रीज़ के अंदर इसी तरीके से इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ब्रेक एंड मॉटर मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हो विच मीनस ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फ़िज़िकल स्टोर्स ही हों तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के स्टोर्स फ़िज़िकल स्टोर्स भी हैं और ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं तो जो और एग्जांपल्स मेरे सामने आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि ऑफ़ प्राइस स्टोर्स की हैं और ये ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से है जिस तरीके से एक बहुत अच्छी एग्जांपल सिक्स पी की है अगेन ये जो स्टोर है ये दे ऑफ़र स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आ के विच इज़ सिक्स पी एक अच्छी सी ऑफ़र टू दी एंड कंज्यूमर और ऑनलाइन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह के स्टोर्स खाली फिज़िकल मौजूद हो वो तमाम पिछली टाइप्स ऑफ स्टोर जो अभी हमने आज के दिन के अंदर डिस्कस की हैं वो ये वो कैटेगरीज थी जहाँ पर नॉर्मली ऑनलाइन स्टोर नहीं है फ़िज़िकल स्टोर्स हैं जिस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर की मैंने बात की प्राइमारि दे आर फ़िज़िकल स्टोर्स लेकिन इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर यू विल फाइंड कि ऑनलाइन के हवाले से भी दर इज ह्यूज पोटेंशियल हमारे पास लास्ट कॉल डॉट कॉम की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है अगेन शाप को यू विल फाइंड एक्सलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी बट एट अ वेरी चीपर रेट हमारे पास लाला की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है इंटरनेशनल एग्जाम्पल है ये तीन एग्ज़ाम्पल जो मैंने भी आपके सामने ये वाली रखी हैं ये वो एग्ज़ाम्पल हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में इससे पिछली वाली एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है जो कि है एक हाई एंड स्टोर के हवाले से जो कि फिजिकल स्टोर के हवाले से अच्छा नॉर्मली क्योंकि ये प्राइस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कस्टमर इस तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर ये नहीं देख रहा होता कि डू आई नीड टू रियली विजिट दैट पर्टिकुलर स्टोर या मुझे ये प्रोडक्ट यहीं पर अपने घर में बैठे मौसू हो जाए तो आई वुड बी ओके या मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं एंड आई रिसीव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो मुझे मिल जाए तो मैं मुतमिन हूँ तो नॉर्मली इस तरह case के केस के अंदर कस्टमर लुक्स एट द प्राइस पॉइंट एंड ही इज श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे केमो की एग्ज़ाम्पल इससे सम हाउ रेलिवेंट नज़र आती है जो कि उतरती है इस पर्टिकुलर ऑफ चेन परस्पेक्टिव के अंदर लेकिन स्टिल उसके अंदर क्योंकि वो मॉडल ओपन है तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें कंपैरेटिवली नज़र आती हैं इंटरनेशनल एग्जाम्पल के अंदर जिस तरह मैंने सिक्स पी एम डॉट कॉम की एग्ज़ाम्पल की आपसे बात की या रोल की एग्ज़ाम्पल की आपसे बात की या लास्ट कॉल की बात की डॉट कॉम के हवाले से आपकी बात की ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि एग्जैक्टली क्वालिफाई करती हैं जब हम बात करते हैं ऑफ चें स्टोर्स के हवाले से और अगर आप इनको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो यू विल फाइंड जिस तरीके से अगर मैं लट से स्पेसिफिकली लाहौर की मार्केट की बात करूँ तो हमारे पास इकबाल टाउन की मार्केट मौजूद है ये वो मार्केट है जहाँ पर यू विल फाइंड ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स एवरी डे थ्री सिक्सटी फाइव डेज ऑफर्स स्पेशल प्राइस स्पेशल प्रोडक्ट्स और ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं एंड देन यू विल फाइंड ऑन अ वेरी कंपेटेटिव रेट और अगेन रीज़न वही है जिस तरह मैंने बताया है कि नॉर्मली आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर वहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं मेजोरिटी कंपनी की इसकी एक कोशिश होती है कि जो इस तरह के चेन ऑफ़ स्टोर्स हैं रादर दे सेल इट ऑन देयर ओन स्टोर्स ये इस तरह के चेन को दे दें ताकि स्पेसिफिकली उनकी अपनी कंपनी के ऊपर कोई इस तरह की डिस्कशन ना आए कि कस्टमर को ये ए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ओवर ओवरऑल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस तरह की कोई बात ना आए तो जब भी आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना हो ये डेफिनेशंस आपके पास हैं ये एग्जांपल आपके पास है यू कैन लिंक इट टुगेदर और अगर कस्टमर एक एंड यूजर इससे बेनिफिशरी हो रहा है तो ये इस तरह का रिटेलर जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ऑफ़ प्राइस रिटेलर जो है उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है